21 क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकाई 7 विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य पहलू। जी हाँ, आप हिंदी अंग्रेजी में सारांश देखेंगे। इससे शॉर्टकट वीडियो और इससे शॉर्टकट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जो है 10 मिनट में आप पूरे 7 इकाई कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए आपके जो इकाई 7 में क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य पहलू। हेल्थ शिक्षा के बारे में जो है अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ अपन देखेंगे विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य क्या क्या पहलू हैं वो अपन जानते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय पर्यावरण होने के लिए आपके विद्यालय में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, हाथ धोने की सुविधा, अपोहन तंत्र। ये अपोहन तंत्र क्या है हम आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, यदि देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। फिर कूड़ा निस्तारण, प्रकाश व्यवस्था, वायु संचार, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रेरक संवेदनात्मक एवं सामाजिक वातावरण। फिर आपके विद्यालय के लिए क्या क्या स्वास्थ्य निर्देश है ये अपन देखेंगे। भोजन एवं संतुलित आहार, संक्रामक बीमारियां, आसन, स्वस्थ आदतें। तो इन्हीं बिंदुओं पर जो है आपके इकाई 7 है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके स्कूलों में और सभी स्कूलों में ये ज़रूरी चीज़ है और इसको जो है डीएलएड में अनिवार्य आपको जो है याद करना है। तो देखिए, अपन सबसे पहले समझते हैं नीचे जो 10 बिंदु है, 10 बिंदु के आधार पर आपके जो इकाई 7 से सवाल बनते हैं। पहला है स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, यानी कि नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ पेयजल यानी कि शुद्ध जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यालय में अलग अलग व्यवस्था हैं जल प्राप्त करने की, जैसे कुआं, नदियाँ, तालाब, हैंडपम्प, टोंटी आदि। आजकल कपड़े एवं बर्तन धोने, अपशिष्ट को फेंकने, रसायनों के निकास और नदियों में कुछ कर्म कांडों के निष्पादन से पानी प्रदूषित हो गया है। नगरी शहरों में आरओ प्रणाली एवं अन्य शुद्धिकरण प्रणालियों की सहायता से स्वच्छ जल प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे अभी तो प्राय प्राय सभी स्कूल में जो है हैंडपम्प की व्यवस्था कर दी गई है। शहरों में जलापूर्ति को स्थानीय निकाय जैसे दिल्ली में MCD, मुंबई में BMC द्वारा मॉनिटर किया जाता है। आपूर्ति से पहले पानी को नई तकनीकों को शुद्धिकृत किया जाता है। भारत के आंतरिक भागों और छोटे गांवों में लोग बाल्टियों में, बर्तनों में पानी संचरित करते हैं, रखते हैं और कपड़े से छानकर या उबालकर इसे स्वच्छ करते हैं। इससे जो सवाल बनता है, पानी को स्वच्छ करने के कोई 4 विधि बताएं, ऐसे आपके जो टेक्स्ट बुक में जो है प्रश्न दिया गया है। तो आप जो है कपड़े से छानकर या उबालकर, फिर आप जो है और बहुत सारी विधि हैं, जैसे आजकल जो है कैंट आरओ का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छ पेयजल का प्रावधान होना चाहिए, पानी का ढका हुआ संग्रह होना चाहिए, विद्यालय की क्षमता के अनुसार पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए आपके विद्यालय में। तो इस प्रकार से हम स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के बारे में बता सकते हैं। फिर आपका जो दूसरा जो पॉइंट है, स्वच्छ शौचालय या मूत्रालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब से अभी मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वहाँ से तो सभी स्कूलों में, प्रत्येक विद्यालय में जो है स्वच्छ पखवाड़े के नाम से छत्तीसगढ़ में योजना भी चलाया और बहुत सारे राज्यों में भी चला है। तो देखिए, स्वच्छ शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था होनी चाहिए आपके विद्यालय में। विद्यालय सत्ता की यहाँ 2 भूमिका है, विद्यालय की और शिक्षा की। तो पहले विद्यालय की भूमिका समझते हैं, आपको यही भूमिका जानना है, इसके बाद इससे संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, विद्यालय सत्ता की जो भूमिका क्या क्या है, सह शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए, ये बिल्कुल सभी स्कूल में जरूरी है। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उत्पीड़न, जानवरों के आक्रमणों आदि से जोखिम मुक्त सुविधाएं अवश्य प्राप्त हो, ऐसे जगह आपके शौचालय होना चाहिए। उपयुक्त यानी कि ताला व्यवस्था हो, बोल्ट और हैंडल। आजकल हम गाँव में देखते हैं, यदि लॉक की व्यवस्था नहीं होती है तो जल्दी टूट फूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं या फिर बहुत सारे उसमें हानि होती है। तो लॉक की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। फिर जो चौथा है, पूर्व प्राथमिक एवं लड़कियों के संबंध में परिचारक द्वारा परीक्षण होने चाहिए। फिर सफाई व्यवस्था को, भूजल को संदूषित नहीं करना चाहिए, सफाई व्यवस्था में भी ध्यान रखना है शौचालय में। अब इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षक लगातार बच्चों को बताते रहें कि दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए, शौचालय यदि आप जाते हो तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, आने के बाद भी दरवाज़ा बंद होनी चाहिए। सफाई के लिए पानी का प्रयोग करें, बिल्कुल शौचालय में जो है उपयुक्त मात्रा में पानी का प्रयोग किया करें, यह बच्चे लोग को बताना है। अपशिष्ट पदार्थ कूड़ेदान में डालें, यदि प्रयोग में ना हो तो बिजली बंद करें, हाथ साबुन, कीचड़ या राख से धोएं। शौच से पहले और शौच के बाद भी जो है आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, बातें बताना है बच्चे लोगों को।
फिर आपका आता है सुरक्षित आहार, यानी कि भोजन। अभी सभी स्कूल में MDM चलता है, मध्यान्ह भोजन। तो इसमें जो है क्या सतर्क रखने हैं, इसके बारे में इस अध्याय में दिया गया है। भोजन अवकाश के लिए बच्चे भोजन घर से लाते हैं, बहुत सारे विद्यालय में और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जो है अपने बच्चे जो है घर से ही खुद ही भोजन की व्यवस्था करते हैं, और बहुत सारे स्कूल में जो है मध्यान्ह भोजन चलती है, वे मध्यान्ह भोजन भी प्राप्त करते हैं। कुछ विद्यालय में अल्पाहार गृह भी होते हैं। बच्चों को स्वस्थ एवं रोगों से मुक्त रखने के लिए सुरक्षित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर भोजन से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले उन पर बिल्कुल निगरानी रखना है। जो बच्चे लोग बहुत सारी हरकतें करते हैं उनको पर भी आपको ध्यान रखना है खाना खाते समय। भोजन से पहले व बाद में हाथ धोने को प्रोत्साहित करें, बिल्कुल आपको जो हैंड वॉश से हाथ धोना है, जो भी आपके स्कूल में व्यवस्था होती है। जब कक्षा में भोजन वितरित किया जा रहा हो तो विद्यार्थी के व्यवहार को मॉनिटर करें, क्या है अक्सर जो है प्राथमिक स्तर में बच्चे जो है झगड़े होते हैं, इस बात की भी आप ध्यान रखिएगा। बच्चों को खाना वितरित करते व पकाते समय स्वयंसेवक एप्रन और सिर पर टोपी का प्रयोग करें। भोजन के लिए प्लास्टिक, यानी कि जो आपके रसोइयाँ हैं उनको जो है एप्रन और सिर पर टोपी का बिल्कुल प्रयोग करने के लिए बोलिए। भोजन के लिए प्लास्टिक के प्लेटों का प्रयोग ना करने के बारे में बच्चों को शिक्षित करें। प्लास्टिक के जो डब्बे हैं, प्लास्टिक टिफिन वगैरह हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अल्पाहार गृह में भोजन सुरक्षा मानक सुनिश्चित करें। तो ये है कुछ सुरक्षित आहार के इसमें जो संबंध। फिर आपका जो आता है चौथा जो पॉइंट है, हाथ धोने की सुविधा। आपके विद्यालय में बच्चों को खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सिखाया जाता है। शिक्षकों को उन्हें जानवरों को संभालने, कूड़ा फेंकने, बीमार को देखने, खेलने छिड़कने या जो भी जो गंदे काम करते हैं उससे पहले आपको हाथ धोना है, ये आपको शिक्षित करना है। पर्याप्त एवं निरंतर जल आपूर्ति आपके विद्यालय में होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई पर बच्चों के उपयुक्त वाश बेसिन होना चाहिए। हाथ धोने के लिए साबुन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक बच्चा के साथ शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। हाथ धोने की जगह नियमित तौर पर साफ किया जाना चाहिए। विद्यालय में बच्चों की जनसंख्या के अनुसार वाश बेसिन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि आपकी इकाई जो 7 है वो पूर्णतः विद्यालय के स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है। फिर आपका आता है अपोहन तंत्र जल निकासी प्रणाली, यानी कि नाली की व्यवस्था सही आपके विद्यालय में होना चाहिए। गंदे पानी निकलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ बनाने में विद्यालय सत्ता और शिक्षकों को एक पृथक भूमिका निभानी होती है। नाली को ढक कर रखें ताकि दुर्घटना ना हो। रुकावटों को दूर करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा नालियों की नियमित सफाई। पानी के अवरोध को दूर करने के लिए पाइपलाइन की नियमित मरम्मत हो। कीड़ों को पैदा होने से रोकने के लिए कीटनाशक एवं जीवनाशकों का नियमित प्रयोग करें। शिक्षकों को निम्नलिखित बारे में सावधान होना चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए खुली नालियों के पास कोई बच्चा नहीं खेलना चाहिए। अवरोध को रोकने के लिए किसी बच्चे द्वारा कोई भी वस्तु, गेंद, पत्थर, प्लास्टिक, रुमाल नालियों में नहीं फेंकनी चाहिए। यह आपको जागरूक कराना है बच्चे पर। अवरुद्ध गंदे पानी से कोई बच्चा नहीं खेलना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने नए साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो है बहुत सारे हमारे वेबसाइट पर जो है आज रिकॉर्ड तौर 2 लाख जो है अध्ययन कर रहे हैं, और भी अपने साथियों तक शेयर कीजिए। फिर आपका आता है छठवा जो कचरा निस्तारण। बड़े शहरों में वायु एवं जल प्रदूषण अवस्था वातावरण में तीव्र विकास एवं ग्राम से शहरों की ओर पलायन का मुख्य योगदान है कचरा निस्तारण। कचरा जो है फेंकने का बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए और सही जगह होना चाहिए। देखिए इसमें आपका जो एक सवाल बनता है 4R क्या है, 4R क्या है, तो इसमें देखिए 4R के जो मुख्य बातें हैं वही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ सारांश में। देखिए 4R का मतलब, 4R का मतलब, 1R का मतलब है रिफ्यूज यानी कि निस्तारण, और 1R का मतलब है रीयूज यानी कि पुनः प्रयोग, रिड्यूस करना यानी कि कम करना, रिसाइकल यानी पुनः प्रयोग, ऐसे आपको कचरा का बनाना है, तो इसको हम कहते हैं 4R। तो ये आपको याद रखना है, निस्तारण पुनः प्रयोग, कम कर पुनः प्रयोग, ठीक है, निस्तारण पुनः प्रयोग, कम कर पुनः प्रयोग। प्रकाश व्यवस्था यानी कि खिड़की दरवाजे के पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो खैर गाँव में अधिकतर जो है प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शहरों में जो है छोटे छोटे जो जगह है उसमें जो है संकेत जगह में जो है विद्यालय बना रहता है, तो शहरों में ज़्यादा व्यवस्था देखने को मिलता है।
तो शहरी क्षेत्रों में कक्षा कक्षों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। एक कमरे में 4 या 5 ट्यूबलाइट होनी चाहिए। कक्षा कक्षों में अधिक प्रकाशीय प्रभाव के लिए दीवारों पर चटकीले रंग होनी चाहिए। प्रकाश के बारे में हो बिजली के तारों की नियमित जाँच होनी चाहिए और यदि वे क्षतिग्रस्त हों तो बदल देनी चाहिए। बिजली का मरम्मत समय समय पर होना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के वहाँ बैठना चाहिए जहाँ पर अधिक प्रकाश उपलब्ध है। तो ये हुआ प्रकाश व्यवस्था और वायु संचार, हवा पर्याप्त मात्रा में हवा के संचार होना चाहिए आपके विद्यालय में। ये बहुत ज़रूरी है, पहले के विद्यालय में नहीं इसे देखा जाता, लेकिन अभी जो है बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको बिना पंखा के आपको नींद नहीं आती, वैसे बच्चों के लिए भी आपको बिल्कुल ज़रूरी रूप से ज़रूरी है हवा की व्यवस्था होना चाहिए। फिर आपका आता है 9वां, बैठने की आरामदेह व्यवस्था। अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में बैठने की आरामदेह व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सुखद एवं सुगम होने के लिए शिक्षक अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जनसंख्या के आधार पर ही जो है सेट करें, विद्यालय में जो ये देखने का जो जिम्मेवारी होता है शिक्षक प्रमुख होते हैं, तो ये आपको व्यवस्था इसके बारे में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो आप विद्यालय में करते हैं वही आपको बस यहाँ पर शब्दों को याद रखना है, बाकी जो काम आप विद्यालय में करते हैं वही आपको लिखना है। फिर आपका जो 10वां जो पॉइंट है, प्रेरक संवेदनात्मक एवं सामाजिक वातावरण बनाना। तो ये होता है अभिभावक यानी कि बच्चे लोग के पिता जो आप SMC समिति को लिए अलग से SMC समिति के लिए अलग से चेयर की व्यवस्था करते हैं ना, पालक संपर्क वाले जो है वही प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये अभिवादन कार्यक्रम। शिक्षक कक्षा कक्षा के दरवाजे पर प्रत्येक विद्यार्थी का नाम से अभिवादन करता है, जो बच्चों को अधिक सुखद बनाता है। ये प्रेरक बनाना है बच्चों के साथ। नव आगंतुकों को विद्यालय और कक्षा का गतिविधियों में स्वागत और सम्मिलित करना चाहिए। स्थान का बार बार बदलना एक कक्षा कक्ष वातावरण का सृजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संवेदनात्मक और सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है। यानी कि बच्चों को जो क्लास भी आपको चेंज करना है, यह विद्यार्थी को विभिन्न सहपाठियों के साथ कार्य करने की स्वीकृति देता है और नए दोस्त बनाता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया और संवेदनात्मक बंधनों को भी प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से आपकी 1-7 के जो सारांश है वो इन्हीं बिंदुओं पर है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।